पंक वैन लूटी थी इस चोर ने, तो ये सोच रहा है कि आज ये हमारी वैन से भी चोरी कर लेगा। चलो उसको सबक सिखाते हैं। लड्डू सिंह जी, आप? मैं वैन की सुरक्षा के लिए इसके साथ आ रहा था और तुम लोगों ने मुझे ही पीट डाला, इंस्पेक्टर लड्डू सिंह को। सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात। अरे अरे मुझे भी तो उठाओ अकल के दुश्मनों। लड्डू सिंह जी, वैन से पैसे चोरी हो गए। मुझे तो तुम यहीं पड़ा छोड़ गए। अगर मैं साथ होता तो चोर की क्या मजाल की वो वैन को लूट लेते। आई, मैं अभी आता हूँ, रुको। शिवा, आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। मेरे पास एक प्लान है, सुनिए। ओके शिवा, ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे मैंने भी ये प्लान बनाया था, हम दोनों एक जैसे ही सोचते हैं। है? सिद्धेश्वर साहब, हमें ये जगह छोड़ के चले जाना चाहिए। वो बच्चा तो पुलिस वाले से ज्यादा तेज है। वो देखो, फिर मेरे पीछे आ रहा है। तुम चिंता मत करो, जब तुम चोरी कर रहे थे मैं एक सीसीटीवी वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर से दवाई ले रहा था। तुम नीचे जाओ, वो मुझे पकड़ेंगे तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाके सीसीटीवी फुटेज दिखा दूंगा। अब क्या हुआ? फिर मेरे ऊपर चोरी का कोई इल्जाम है? इस बार तो तुम नहीं कह सकते कि हेलमेट में चेहरा नजर नहीं आया, क्योंकि इस बार आपने हेलमेट नहीं पहना था। क्या कह रहे हो, मैं तो वेदांत हॉस्पिटल में था, वहाँ से अभी आ रहा हूँ। चाहो तो चल के वहाँ डॉक्टर से पूछ लो। कोई जरूरत नहीं है, शिवा और मैंने खुद तुमको वैन से चोरी करके भागते हुए देखा है।
अब किसी सीसीटीवी फुटेज की जरूरत नहीं, समझे? दूध का दूध और पानी का पानी। लड्डू सिंह जी ने बड़ी होशियारी के साथ हाई प्रोफाइल चोर जैक द थीफ को पकड़ लिया है। कल सुबह उसे पुलिस वैन में सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जाएगा। अब लड्डू सिंह जी कुछ कहेंगे? कहना क्या है, बहुत चालाकी और बहादुरी से मैंने इसे पकड़ा है, समझे? कल इसे सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जा रहा है और पुलिस वैन वालों को आदेश है कि चाहे कुछ भी हो जाए वैन रास्ते में नहीं रोकना है, समझे? कहीं ये भाग न जाए इसीलिए। सुना है शिवा ने भी इसको पकड़ने में आपकी मदद की। दरअसल शिवा ने कुछ नहीं बहुत कुछ मदद की है, क्योंकि पकड़ा तो उसी ने है। मैंने तो सिर्फ हथकड़ी पहनाई है। झूठ, सब झूठ, निकम्मे और नाकारा लोग मेरे भाई को धोखे से पकड़कर मेरा नाम दे रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लड्डू सिंह जी, वो देखिए, चोर वैन के ऊपर चढ़ गया है। चलो अंकल, ये कैसी रही? आपका भाई जेल में है, ये बस आपको बिल में से बाहर निकालने की तरकीब थी। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? बच्चों की तरह कहीं जाके खेलते कूदते क्यों नहीं? आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि बड़ों के काम में दखल नहीं दोगे। क्या करें? वैन में फाइट हो रही है, रोके कि नहीं? नहीं, हमें आदेश है जब तक सेंट्रल जेल ना आ जाए या लड्डू सिंह जी ना कहें, वैन रोकनी नहीं है। चलते रहो। साहब, आप कुछ खातिरदारी का मौका हमें भी तो दो।